हाय गाइस, तो सीओईटी का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। आप लोगों को आपका एक एनटीए नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिल गया होगा और इसी स्कोर के बेसिस पे आपको अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है फेज टू की, और फेज टू में क्या होता है, प्रेफरेंस फिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है डीयू के रजिस्ट्रेशन में। अब देखो, अगर आपने इस स्टेप को फॉलो कर लिया अच्छे से तो आपका एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर करा, कुछ मिस्टेक्स कर दी ऐसी, तो फिर आप कितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का चक्कर काट लो, आपके आगे फिर कुछ नहीं हो सकता है, वहां पे कोई करेक्शन नहीं हो सकती है। तो आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को फिल करना फेज टू के। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप बिल्कुल अवॉइड करना। तो ध्यान से वीडियो को देखो, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन टिप, 200 मार्क्स हो चाहे 700 मार्क्स हो, आपको हमेशा टॉप रैंक कॉलेज को ऊपर रखना है, देन मीडियम देन लो। यानी कि आप स्टार्ट करोगे सबसे ऊपर टॉप रैंक कॉलेज को रखोगे, उसके बाद मीडियम एवरेज कॉलेजेस को रखोगे, देन ओनली लो रैंक कॉलेजेस को रखोगे। इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो करना तो बेटर होगा, ताकि आप सेकंड राउंड में अगर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप अपने ऊपर जो बाकी कॉलेजेस है वो टॉप के कॉलेजेस को रखो, ताकि आपके पास एक ऑप्शन हो जो कि टॉप कॉलेजेस का हो। तो मेनली आपको ऊपर टॉप कॉलेजेस को रखना है, देन मीडियम एंड देन लो रैंक कॉलेज, इस तरीके से रखना है। बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक मत करना, ऐसा मत सोचना कि मेरे तो 600 में से 400 मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो किसी साउथ कैंपस का एवरेज कॉलेज को रख देता हूं ऊपर। मत करना ऐसा, हमेशा टॉप से स्टार्ट करना, देन लो रैंक कॉलेजेस के ऊपर जाना। दूसरी चीज, हमेशा अपने प्रेफरेंस के अंदर 4 to 5 कोर्सेज को फिल करो। ऐसा नहीं कि आप बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर दो। हाँ, अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके मार्क्स थोड़े एवरेज हैं तो आप अपने पास 4-5 कोर्सेज के ऑप्शन रख लो। जैसे मैथ्स अगर आपका है, साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ्स है, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है फिजिक्स रख लो, केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री को रख लो, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। इस तरीके से आप अपने कोर्सेज को बना सकते हो। तीसरी चीज, हमेशा कोर्स और कॉलेज दोनों को आपको प्रेफरेंस देना है, यानी कि दोनों को कंसिडर करोगे आप। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी कोर्स मिल रहा है और कॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा है तो आप जाके अप्लाई करो, ऐसा मत करना। आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको मिरांडा हाउस में हिंदी मिल रहा है, हिंदी का कोई कोर्स मिल रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कोर्स में बट आपको कॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपने अप्लाई कर दिया, मत करना। आपको इसी कोर्स को, इसी सब्जेक्ट को आपके 3 या 4 साल तक पढ़ना है तो कोर्स और कॉलेज दोनों को प्रेफरेंस देना। ऐसा भी मत करना कि आपने कोर्स तो आपका मिल गया और कॉलेज बिल्कुल ही लो रैंक है, ठीक है, बिल्कुल एकदम लो रैंक कॉलेज है, ऐसा भी मत करना। कोर्स और कॉलेज दोनों का ना बैलेंस बना के चलना। अगली बड़ी बात यह है कि आपको जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं सबके लिए अप्लाई कर दो। पहले तो आप अपने जो फेवरेट कोर्सेज है ना उनको रख दो, यानी कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको बायो में इंटरेस्ट है बायो रख दो, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी इंटरेस्ट है वो रख दो। उसके बाद आप जो कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है वो सभी रख दो, जस्ट इन केस फ्यूचर में आपको नहीं लेना है तो उसको मत ऑप्ट करना, बट एटलीस्ट आप एक कॉम्बिनेशन बना के रख लो, क्योंकि आप खुद ही देखोगे कि आपके पूरे कॉम्बिनेशन जो है वहां पे मेंशन होंगे और आप किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें कि आप एलिजिबल हो। तो आप सारे कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई जरूर करना, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बट अप्लाई कर लेना। इन फ्यूचर आपका मन बदलता है, दूसरे कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, नहीं ऑप्ट करना वो तो फिर आपकी मर्जी है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो यही कुछ टिप्स थी जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन बातों को, अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि फेज टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार मैं रिपीट तो नहीं करना चाह रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बैचेस में गलती हुई है, जो मेरे दोस्तों के साथ गलती हुई, जो मैंने खुद गलतियां की है, वो आप रिपीट मत करो। बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और आज वो ड्रॉप करके बैठे हैं। मैं जिसको भी देखती हूँ अपने कॉलेज में, मतलब ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ बच्चे यही बोलते हैं कि मैंने अगर प्रेफरेंस को अच्छे से फिल किया होता तो आज मैं बेटर कॉलेज में होता, इस तरीके से मैं सुनती हूँ। तो आप ऐसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने प्रेफरेंस को अच्छे से फिल करो, क्योंकि देखो यार, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी नॉलेज नहीं है कि कैसे प्रेफरेंस को फिल करना है। आपको अगर ये वीडियो आपको मिल गई है और आपको अगर पता है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, अच्छे कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, बस ध्यान से प्रेफरेंस को फिल करना। और बाकी कोई भी डाउट्स आ रहे होंगे ना, उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनसे ये गलती ना हो प्रेफरेंस फिल करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।